नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आकाश पांडे सुर संध्या के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारा ये सुर संध्या कार्यक्रम प्रति सप्ताह आपके समक्ष विभिन्न गायक गायिकाओं और संगीतकारों को लाता रहता है, आपका मनोरंजन कराता रहता है। हमारे स्टूडियो में आए हमारी नई गेस्ट का नाम है तनुजा बहन जी, जो कि दिल्ली से आई हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी मधुर आवाज़ में कुछ गीत सुनते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते आकाश भाई, कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आके? बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे कि ऐसा आप सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं और गीतों के माध्यम से कितनों के दिल को जीतने वाला ये सुंदर कार्य चल रहा है। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बहन जी बचपन से ही ज्ञान में हैं और 15 वर्ष से ईश्वरीय सेवा में समर्पित भाव से सेवा दे रही हैं। दीदी अपने ही संगीत के माध्यम से, गीतों के माध्यम से स्टूडेंट्स को प्रेरित करती हैं ज्ञान योग करने के लिए। तो दीदी, आज आप हमारे दर्शकों को कौन से गाने सुनाने वाली हैं? आज मैं एक बहुत सुंदर गीत पेश करना चाहती हूँ कि जो परमात्मा से जुड़कर हम उनसे क्या क्या पा सकते हैं, क्योंकि आज भगवान को बहुत सभी पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं कि दर्शन दो, दुखियों को मदद करो, सब कुछ। लेकिन आज हम वो गीत गा रहे हैं कि भगवान अगर हमें मिल जाता है, अगर वो हमें कुछ देता है, तो वो क्या क्या देता है और उसका अनुभव क्या है। कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो शब्दों से बताया नहीं जाता, लेकिन फिर भी इन गीतों के माध्यम से कोशिश किया जाता है कि हम उन बातों को स्पष्ट कर सकें। तो आइए इस गाने को सुनते हैं। इस गाने के बोल हैं, प्रभु आपने तो हमको क्या क्या नहीं दिया। क्या बात है। ट्रैक प्लीज। चल रहे
आपने तो हमको क्या क्या नहीं दिया है। बहुत ही अच्छे बोल हैं इस गाने के, और ये सीधा किसी भी जो व्यक्ति अगर इस गाने को सुनता है उसके दिल में उतर जाते हैं कि जब हमने आप ही को पा लिया है तो फिर वो बार 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 चेस करने की क्या ज़रूरत है। जब एक बार प्रभु आपको ही पा लिया है तो इस दुनिया की मोह माया में क्या रखा है। अपना तपस्या कीजिए, वैराग्य कीजिए और ज्ञान को प्राप्त कीजिए। यहाँ पे हम तपस्या करने के लिए या वैराग्य लाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम उस सुख का, सच्चे सुख का, आनंद का अनुभव करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि आज हम इस झूठी दुनिया में झूठा सुख, झूठे आनंद में ही है, लेकिन हमें जो ये सच्चा सुख मिलता है, सच्चा आनंद मिलता है परमात्मा से, उस सुख को अनुभव करने के लिए हम कह रहे हैं सबको। अच्छा, आपसे मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि जो आप गा रही हैं, बड़ा अच्छा गा रही हैं, तो आपने ये जो गाना वगैरह ये कहीं से सीखा है या रियाज वगैरह करते हैं होंगे आप? नहीं, ये प्रभु की देन है। जो हम बचपन से कभी कभी गाते थे, उतना ध्यान नहीं देते थे, गाना ही है। लेकिन इस ज्ञान में जब से आए, और जब हमारा, वैसे मैं कर्नाटक से बिलोंग करती हूँ, और जब मैं दिल्ली आई और सेवा, ईश्वरी सेवा में कार्यरत रहे, और उसमें हमें कभी कभी प्रोग्राम में गाने का मौका मिलता था, प्रभु की स्मृति में गीत गाने के लिए, उनकी याद में समाने के लिए दीदी कभी कभी हमें बताते थे, तो उसी के उसमें धीरे धीरे ये गीतों का सिलसिला चालू हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा गॉडली गिफ्ट जो है आपको मिला है, और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब जो प्रभु हैं, जो जो शक्ति हैं, जो हमको सुख, जो हम सुख के सागर हैं, जो ज्ञान के सागर हैं, जो आनंद के सागर हैं, वो हमारे दिल में वास करें। प्रेम हो तो सिर्फ उन्हीं से हो, ज्ञान का सागर तो वो है ही, ठीक है। सुबह उठें तो उन्हीं के बारे में सोचें। तो प्रभु कैसे प्रेम का वर्णन करते हुए, आनंद का वर्णन करते हुए आप दूसरा कौन सा गाना हमें सुनाने वाली हैं? अभी हम दूसरा गीत एक पेश करना चाहेंगे कि आज समय, वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि लोग जो खुशी में रहना है, वो खुशी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब किसी का फ़ोटो खींचे या वीडियो करे, तभी चेहरे पे स्माइल आती है, खुशी होती है, और वो भी ऊपर ऊपर वाली खुशी, अंदर की नहीं होती है। लेकिन हम इस गीत के द्वारा हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने मन को ऐसा खुश रखें, ऐसा खुश रखें जो हमारी पूरा दिन की शुरुआत भी अच्छी हो, और जो हमारा शाम है वो भी अच्छी हो, है ना। तो गीत के बोल हैं, दिल से प्रभु को याद करें। ट्रैक प्लीज। सच्चे साथ के साथ रहो,
प्रभु को याद करो, खुश रहो और आबाद रहो। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो प्रभु का प्रेम है, उनके जो याद का अनुभव है, ये खुशी ही तो देता है, ये आनंद ही तो देता है। और जो हमारे अंदर तनाव है, उस तनाव को भूलने के लिए हमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और खुशी जो हमें अच्छे अच्छे विचारों से मिलता है, इसलिए हम अच्छे अच्छे सोच हमारे अंदर लाएँ तो हम सदा खुश रह सकते हैं। जी बिल्कुल सही। आपके सेंटर पे भी काफ़ी सारे ऐसे लोग आते होंगे जो 7 दिन का कोर्स करने आते होंगे, या फिर ये समझने आते होंगे कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, ये ज्ञान क्या है। उसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते होंगे जो ऐसे ही दुनिया के कुछ मोह माया या उसकी कुछ सुख सुविधाएँ देख कर तनावग्रसित हैं। तो आप उनको संगीत के माध्यम से किस प्रकार प्रेरित करते हैं? हम उनको ये कहते हैं कि भाई जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये कोई ऐसा नहीं कि हमें उसे मोह माया छोड़ना पड़ेगा या वैरागी बनना पड़ेगा तभी कुछ हमें मिल सकता है, ऐसा नहीं है। तो मुख्य बात है कि हम जो इस ग्रस्त जीवन में रहते हैं, उसमें हमारे अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति की जो ज़रूरत है, आध्यात्मिक गुणों की जो ज़रूरत है, उन गुणों को हम कैसे अपने जीवन में लाएं? सबसे अच्छे से बात करना, सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना, सबको सम्मान देना। और सबसे सबसे बड़ी बात है कि हम
परिवार में रहते हैं तो हमारे बीच में स्नेह प्यार होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं पहले के समय में कितनी जॉइंट फैमिलीज खुशी से रहते थे, है ना, लेकिन आज के समय में जॉइंट फैमिलीज ख़त्म होती जा रही हैं। अकेले रहते हैं या दो लोग रहते हैं परिवार में, ज़्यादा नहीं रहते, ट्रेंड है। मिलजुल के नहीं रह पाते हैं। दो भाई हैं, आपस में मिलजुल के नहीं रह पाते, शादी हो गई तो अलग अलग अपना परिवार बना लेते हैं, और बच्चे भी बड़े हो जाते तो बच्चे अपना अपना लाइफ अलग कर लेते हैं, तो वहाँ पे प्यार धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और एक जो मीठे बोल हमारी होनी चाहिए, दिल से जो प्यार होनी चाहिए, वो कम होती जा रही है। आज एक किसी के ऊपर सुंदर गीत हम सुनेंगे। ये जो हमारे बोल कैसे होने चाहिए, हमारा सब परिवार से, लोगों से प्यार कैसा होना चाहिए, तो ये इन गीत के माध्यम के द्वारा बताया जा रहा है। और इस गीत के बोल क्या हैं? दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। क्या बात है। जी हाँ दर्शकों, आज जीवन में कैसे किसी के साथ प्यार से जीना चाहिए, किसी के साथ चलना चाहिए, हम गीत के माध्यम से आपको सुनाने वाले हैं, दीदी सुनाने वाली हैं। तो इस गीत से आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी और बहुत कुछ सीखने की बातें हैं। तो आइए इस गीत को सुनते हैं। ट्रैक प्लीज़।
में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, प्रेम के बोल बोलो और बोलना सीखो जी, यही है ना जी। बहुत अच्छा गाना है, क्योंकि इस गाने में एक कार्मिक सर्कल जो होता है कर्मा का, उसके बारे में भी समझाया गया है। जो हिंदू वैदिक शास्त्र हैं उसके अंदर भी इसका बात आता है। और अभी एक पितक मैं पढ़ रहा था बुद्धिस्ट टेक्सचर के बारे में, तो उनके जो है, जो भी उनके लिटरेचर में भी सेम चीज़ आती है। तो उनके अंदर कुछ ऐसा बताया गया है कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं या कुछ बुरा करते हैं तो उसका फल जो है वो 3 दिन में आपको मिल जाता है, नहीं तो 3 हफ्ते में मिल जाता है, नहीं तो 3 महीने में मिल जाता है, नहीं तो 3 साल और नहीं तो 13 साल के अंदर मिलना ही है। तो ऐसा है कि जैसे हम बैंक में पैसा डालते हैं कि भैया FD करवा दी और कुछ समय बाद अच्छा खासा इंटरेस्ट लेकर हम बैठ जाएंगे, उसी हिसाब से हमारे कर्म होते हैं कि आज अगर हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं उसका मत सोचिए, बस किया डाल दिया। ये इस बात की तो गारंटी है कि 13 साल में वो हमें मिलना ही है। हाँ, कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, लेकिन जब वो दरिया से जब वो मोती बाहर निकलेंगे तब बड़ा अच्छा लगेगा। इसीलिए कहते हैं दरिया में डाल के भूल जाना चाहिए, एक्सेप्शन नहीं रखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपके ये गाने सुनकर, आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की गेस्ट तनुजा बहन जी, जो दिल्ली से थी और जिनके कुछ 3 गाने आपने सुने। हम, हमारा स्टूडियो, हमारा ये शो प्रति सप्ताह आपके समक्ष विभिन्न गायक गायिकाओं और संगीतकारों को लाता रहता है, आपका मनोरंजन कराता रहता है, साथ में आपका ज्ञान भी बढ़ाता रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले सप्ताह। नमस्कार।